हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। तो हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। दिस इज गिवन टू यू कि सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो हमारे पास यहां से दो इक्वेशंस आ जाएंगी। फर्स्ट a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी हमें यहां से मिलेगी a प्लस 6d इज इक्वल्स टू a प्लस 4d प्लस 12। ट्रांसपोजिंग द टर्म्स, सो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल्स टू 12। लाइक टर्म्स विथ अपोजिट साइंस गेट कैंसल, इन्हें हम कैंसिल कर देते हैं। सो 6 माइनस 4 2d इज इक्वल्स टू 12। तो यहां से हमें d मिल गया, d इज 12/2, दैट इज 6। सो यूजिंग सेकेंड एंड फर्स्ट, दैट इज द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे पुट करते हैं। तो a प्लस 2 इंटू 6 is equals to 16. So a plus 2 6 are 12 is equals to 16, and therefore we get the value of a as 16 minus 12, that is 4. तो हमें a की वैल्यू भी मिल गई और d की वैल्यू भी मिल गई। अब इन्होंने कहा है कि डिटरमाइन द एपी, सो व्हाट इज द एपी, सो इस एपी में फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगी, a, दैट इज 4। सेकेंड टर्म क्या होगी, a प्लस डी, दैट इज 4 प्लस 6। थर्ड टर्म क्या हो गई, a प्लस 2 इंटू डी एंड सो ऑन। सो द टर्म्स आर 4, 6 प्लस 4 10, 6 इंटू 2 12 प्लस 4 16 एंड सो ऑन। Therefore, the AP is 4, 10, 16. Thank you.